दोस्तों एक बार फिर स्वागत है आप सभी का। जैसा कि आपको पता है कि कोरोना की महामारी जो चली हुई है, ऐसे में आप जो आस पड़ोस में किसी को कोरोना हुआ है या फिर आप किसी कोरोना व्यक्ति के संक्रमण में आते हैं तो आप जो कैसे जान सकेंगे, तो ऐसे में जो एक ऐप जो भारत सरकार ने निकाली है उसके द्वारा जो आप बिल्कुल आसानी से पता लगा सकते हैं कि आपको कोरोना वायरस हुआ है या नहीं हुआ है। अगर हुआ है तो तब भी आपको पता चल जाएगा, अगर नहीं हुआ है तब भी आपको पता चल जाएगा। उसके लिए जो है प्ले स्टोर को आपको यहाँ पर ओपन करना होगा और यहाँ पर आरोग्य सेतु नाम का एक ऐप है जिसको आपको इंस्टॉल करना होगा। एंड इंस्टॉल करने के बाद जो आपको क्या कुछ करना है वो भी जो आप ज़रूर जान लीजिए, क्योंकि अगर आप जो वो नहीं जानेंगे तो आप जो बिल्कुल भी जो पता यहाँ पर नहीं लगा पाएंगे। एंड जैसे ही ये एप्लीकेशन जो है डाउनलोड होती है, एंड चलिए हम यहाँ पर ओपन वाले ऑप्शन पर क्लिक करते हैं। तो ओपन वाले ऑप्शन पर क्लिक करते हैं तो यहाँ पर आपको जो लैंग्वेज चूज करने के लिए बोला जाएगा। तो चलिए मैं यहाँ पर हिंदी जो है चूज कर लेता हूँ और यहाँ पर नेक्स्ट वाले ऑप्शन पर क्लिक कर देता हूँ। तो एंड यहाँ पर देखिए आपको बता दिया जा रहा है कि आप सभी भारत में फैल रही कोरोना वायरस की महामारी को रोकने की अक्षमता कर सकते हैं, यानी कि आप हर व्यक्ति जो कोरोना वायरस को रोक सकता है अगर वो सटे या फिर अपने होम पर रहता है, बाहर नहीं जाता है, तो वो बिल्कुल उस तरीके जो है कोरोना को जो है हराया जा सकता है। तो यहाँ पर दूसरे नंबर पर आता है कि देखिए ब्लूटूथ लोकेशन जनरेट सॉफ्ट ग्राफ की मदद से आरोग्य सेतु कोरोना पॉजिटिव लोगों के साथ आपके संभवतः संपर्क ट्रैक करता है या नहीं करता है। यानी कि आप जब बाहर जाते हैं तो आपको ये पता नहीं चल पाता कि हम जो है किसके साथ जो है संपर्क में आ रहे हैं या फिर हम जिसके साथ हम जा रहे हैं वो कोरोना वायरस से संक्रमित है या नहीं है। तो अब तीसरा जो पेज यहाँ पर आता है तो यहाँ पर भी आपको जो बताया जाता है कि यदि आप अनजाने में पॉजिटिव व्यक्ति से संपर्क में आते तो आपको सूचित किया जाएगा, यानी इस ऐप की मदद से आपको सूचित कर दिया जाएगा यदि आप किसी भी कोरोना वायरस से संक्रमित व्यक्ति के पास जाते हैं या फिर आते हैं। और ऐसे में क्या होता है कि हम जब दूध लेने जाते हैं या फिर सब्जी फल जो है लेने जाते हैं, हर व्यक्ति जाता है क्योंकि जाना पड़ता है कोरोना वायरस के बारे में, जो ये ऐप जो आपकी काफ़ी जो है मदद कर सकता है। और आपको रजिस्टर करें पर यहाँ पर आपको एक मोबाइल नंबर जो है डालना होगा। तो चलिए सबसे पहले मैं यहाँ में सहमत वाले ऑप्शन पर क्लिक कर देता हूँ और यहाँ पर OTP जो है अपने आप जो डल जाएगा क्योंकि इसमें ही जो मेरा मोबाइल नंबर है। तो OTP डल जाने के बाद गाइज कुछ आपको यहाँ पर फिल करना होगा, जैसे मैं अपना नेम डाल लेता हूँ, यहाँ पर नेम आपको यहाँ पर डाल लेना होगा गाइज। तो चलिए नेम हमने यहाँ पर डाल दिया, आईओ आपको यहाँ पर डाल देनी होगी। उसके बाद ही आपको व्यवसाय पूछेगा कि आप व्यवसाय क्या करते हैं, तो आपको जो है सिंपली यहाँ पर क्लिक करना होगा और यहाँ पर जो है आपको जो भी आप व्यवसाय करते हैं उसके बारे में आप तो बोल सकते हैं। अगर आपने ट्रैवल किया है कहीं बाहर से आप आए हैं या फिर बाहर गए हैं तो यहाँ पर आपको जो है, जैसे मैं बाहर नहीं गया हूँ तो नो नहीं रहने देता हूँ, अगर आप बाहर गए हैं तो यहाँ पर जो है कर सकते हैं सबमिट। और सबमिट वाले ऑप्शन पर देन जैसे आप यहाँ पर क्लिक करते हैं, देखिए आपके सामने जो है यहाँ पर आ चुका है कि आप बिल्कुल सुरक्षित हैं। एंड उस यहाँ पर एक सेल्फ टेस्ट के बारे में आपको जो है बोल दिया गया कि आप सेल्फ टेस्ट जो करना चाहते हैं तो बिल्कुल कर सकते हैं। तो चलिए मैं यहाँ पर पुरुष है तो पुरुष को यहाँ पर क्लिक कर देता हूँ। तब यहाँ पर जो पूछा गया कि कृपया अपनी आयु बताइए, तो चलिए हम आयु यहाँ पर डाल देते हैं। एंड उसके बाद यहाँ पर देखिए क्या आपको कभी खांसी बुखार जुकाम या सांस लेने में दिक्कत है, इनमें से कोई भी जो हमें प्रॉब्लम नहीं है। तो यहाँ पर देखिए उसके बाद आपको पूछा जा रहा है कि क्या आपको नीचे दिए गए हुए रोग में से कुछ भी है, जैसे मधुमेह, उत्तरकवाद, हार्टपेशन, फेफड़ों में बीमारी, दिल की बीमारी, इनमें से कोई भी नहीं है। तो चलिए यहाँ पर क्या आप पिछले 14 दिनों में विदेश यात्रा की है, नहीं की है, तो यहाँ पर आप जो ये सबमिट कर सकते हैं। हाल ही में पॉजिटिव व्यक्ति से मिलना हुआ है या किसी व्यक्ति के साथ रहा हूँ, तो इनमें से कोई भी जो हम नहीं रहे हैं, किसी के साथ भी जो है नहीं रहे हैं। तो यहाँ पर देखिए आपको आपका संक्रमण जोखिम कम है, आपको जो है यहाँ पर देख सकते हैं नेगेटिव जो है हमारा यहाँ पर आया है। यदि आपको अगले 2 हफ्तों में खांसी बुखार या फिर सांस लेने में कठिनाई महसूस होती है तो आपको जो तुरंत परीक्षण के लिए जाना चाहिए, बिल्कुल जाना चाहिए, एप्लीकेशन की मदद से जो आपको मिल रही है। एंड यहाँ पर देखिए आपको एक और जानकारी दी जा रही है कि अगर आप कोरोना वायरस संक्रमित हैं एंड यहाँ पर आप आस पास में कैसे जान सकते हैं कि हम किससे जो है कॉल करें, तो यहाँ पर देखिए आपको कॉल नंबर भी जो दिए गए हैं। अगर आप कोरोना वायरस से संक्रमित हैं या फिर आपके आस पड़ोस में कोई कोरोना वायरस से संक्रमित पाया जाता है तो यहाँ पर जहाँ पर भी आप रहते हैं, महाराष्ट्र, उत्तर प्रदेश, तमिलनाडु, झारखंड, जम्मू कश्मीर, जहाँ पर भी आप रहते हैं उन सभी के जो है यहाँ पर मोबाइल नंबर दिए गए हैं, जहाँ पर भी आप रहते ऑल इंडिया किसी को भी ये पता लगता है कि हाँ भाई किसी आस पड़ोस में किसी को कोरोना है तो आप बिल्कुल इन नंबर पर कॉल कर सकते हैं और उस व्यक्ति को जो है
एडमिट कराकर उसकी भी जान बचा सकते हैं और जो रहने वाले आपके आस पड़ोस में हैं उनकी भी जान बचा सकते हैं। इसमें आप जो बहुत ही ज़्यादा मददगार हो सकते हैं। तो भाई यही था वीडियो यार, वीडियो अच्छा लगा तो यार वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिएगा। लेकिन एंड में आपसे ज़रूर बोलना चाहूँगा कि इस वीडियो को शेयर ज़रूर करिएगा, क्योंकि यहाँ पर जो है जो भी इस ऐप के बारे में मैंने आपको जानकारी दी है ताकि सबको जो है मालूम हो सके, जान सके सभी इस एप्लीकेशन के बारे में, क्योंकि ऐसे में क्या होगा कि सभी जो सुरक्षित रह सकें, यही जानकारी मैंने आपको इस वीडियो में दी है। तो इस वीडियो को शेयर ज़रूर करिएगा। तो चलिए मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।